हर हर महादेव। हरि तालिका 30 सन 2024। तीज के दिन करें यह उपाय, कभी नहीं रहोगे गरीब, नहीं रहेगी पैसों की कमी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी। आइए बताते हैं कि क्या करना है मैसा उसके बारे में। इससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और लाभ उठा पाएँ। पूरी लाभ उठाने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, बीच में छोड़ के वीडियो बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसे कई व्रत और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं, जिनमें से एक हरि तालिका तीज व्रत है जो विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरि तालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और दृक् पंचांग के अनुसार यह तिथि इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है। ऐसे में हरि तालिका तीज 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत के दिन महिलाएं कुछ विशेष उपाय भी करती हैं, उनके पति के जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर हो पाएं, धन कमाने के नए नए अवसर खुलें। आइए जानते हैं इस उपायों के बारे में। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और हरि तालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन आपको विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो कभी भी गरीब नहीं रहता है। हरि तालिका तीज के दिन भगवान शिव का 5 आंख के फूल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप शादीशुदा हो, वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम चाहते हो तो उन्हें हरि तालिका तीज के दिन गुप्त रूप से भगवान गणेश के पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा और मालपुआ का भोग जरूर लगाना चाहिए ताकि भगवान गणेश जी की कृपा हमारे जीवन में हो पाए। महिलाएं भी अपने बच्चों के लिए, विकास के लिए हरि तालिका तीज का उत्साह से मनाती रहती हैं। ऐसे में उस दिन पूजा के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर 11 बेलपत्र भी चढ़ाएं। इससे आपके बच्चे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और वो कभी भी परेशान नहीं होगा। इस तरीके से हमें छोटे छोटे जो उपाय हैं अपने जीवन में करने चाहिए, क्योंकि व्रत त्यौहार हमारे जीवन में आते ही रहते हैं जो हम अपने पति की दीर्घायु लंबी आयु के लिए करते हैं, हर मनोकामना के लिए करते हैं। तो अगर हम उसके साथ साथ व्रत के साथ साथ एक छोटे छोटे उपायों का भी ध्यान रखें तो हमारा व्रत बहुत ही लाभदायक होगा और हमें पूर्ण फल मिलेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का में ध्यान रखने में ना हमारा कोई पैसा लगता है, ना कोई ऐसा समय लगता है, तो इसको करने में कुछ भी नहीं जाता है। अगर हमारे घर की आर्थिक स्थिति या प्यार प्रेम बना रहता है, ग्रह क्लेश वगैरह से हम दूर रहते हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। हर हर महादेव। माँ पार्वती आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।